न मिले हो न ढूंढे से कहीं तुम, और फिर भी ये तमाशा है कि जहां तुम हो वहीं तुम, जहां हम हो वहीं तुम। हर जर्रे में किस शान से तू जलवा नुमा है, हैरान है मगर अकल के तू कैसा है क्या है। कहने को हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन तुम्हारा नाम सुना है निशा नहीं मालूम। खोजे से वो मिला हो इसका प्रमाण कहीं नहीं मिलता, लेकिन किसी ने पुकारा हो और उसने उत्तर दिया हो ये बात आपको कहीं भी अनुभव करने को मिल जाएगी। और कहीं और मत जाना, स्वयं अपने जीवन में अनुभव करना कि जब पुकारोगे तो उत्तर मिलेगा। खोजने से उसका पता आज तक किसी ने नहीं पाया है। कभी यहां तुम्हें ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा। गरीब लुट गया बामाल हो गया, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुंचा। हाँ, लेकिन कोई पुकारता है तो उसको उत्तर मिलता है। बस रविदास जी ने पुकारा कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ऐसी लाल तुद्बिन कौन करे, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही धरे, गरीब निवाज गुसैया मेरो माथे छतर धरे। रविदास जी की वो आत्मा की पुकार जिसको शायद प्रभु के कान सुनना चाहते थे। उनको वेद की स्तुति, उनको श्रुतियों का पाठ इतना प्रिय नहीं है जितना भक्त के हृदय से निकली करुण पुकार उन्हें सुहाती है। और संसार के हित के लिए प्रभु ऐसी लीला करते हैं कि भक्त प्रेम और भाव में भरकर उनको पुकारता है, और वो आत्मा की पुकार समय के अंत तक इस संसार में पीछे चलने वालों का ज्योति स्तंभ बनती है। किसी को गिरधर को पुकारना हो तो सीखने के लिए मीरा के पद हैं, किसी को गोपाल को रिझाना हो तो गाने के लिए सूर की पदावली है, किसी को राम को मनाना हो, किसी को राम में रमना हो तो तुलसी की मानस है। इसीलिए भक्त संसार में आकर पुकारता है कि पीछे जब कोई इस मार्ग पर चले तो उसकी मार्ग इस भाव भरी वाणी से प्रकाशित हो जाए, उसकी राह प्रकाशित हो जाए। श्री ठाकुर जी के कर्णों को आनंद मिला, रविदास जी के बहते नेत्र, गदगद कंठ, प्रेम से भरी वो वाणी श्री ठाकुर जी सुनकर तुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए। और कुछ उन्हें पोषित नहीं करता, भक्त के हृदय का भाव उन्हें भर देता है। इसी के भूखे हैं, इसी की भूख लगती है, और शायद इसीलिए दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। विदुरानी को कब से प्रतीक्षा थी कि कब द्वारिकाधीश मेरे आंगन को पवित्र करेंगे, और आई तो प्रेम के आवेश में श्री ठाकुर जी ने बाहर से आकर पुकारा काकी। द्वारिकाधीश का वो प्रेम पूरित स्वर कान में पड़ा, स्नान कर रही थी, वस्त्र पहनने की भी सुध नहीं रही, उसी अवस्था में जाकर किवाड़ खोल दिया। प्रेम मगन भक्तिमती विदुरानी को देखा, श्री ठाकुर जी का रोम रोम पुलकित हो गया, कमल नैन के नैन भर आए, झट अपना पीताम्बर विदुरानी को ओढ़ा दिया। उसको सुध नहीं कहां बैठाऊं, क्या क्या पवाऊं, स्वयं श्री ठाकुर जी ने आसन बैठ गए, चरणों में विदुरानी बैठी है, श्री ठाकुर जी का पीताम्बर ओढ़ा है, केले के पके फल रखे थे। प्रेम के उस आवेश में छकी छिलका द्वारिकाधीश को पवाने लगी और फल स्वयं पाने लगी। विदुर जी ने आकर देखा, चौंक पड़े, हाथ थाम लिया, अरे ये क्या करती हो, कितना कष्ट मेरे प्रभु को हुआ। थोड़ी चेत आई, भाव थोड़ा शिथिल पड़ा। विदुर जी बड़े प्रेम से, शायद उतना ही प्रेम विदुर जी के हृदय में भी है, उसी प्रेम में भरकर द्वारिकाधीश को केला पवाते हैं। पर द्वारिकाधीश ने कहा, चाचा आपने आकर सब रंग में भंग कर दिया,
जो स्वाद उन छिलकों में आता था वो इस फल में नहीं आता। श्री रघुनाथ जी जब मिथिला नगरी गए, जानकी जी रसोई बनाकर पवाती थी, और मिथिला नगरी का वो वैभव जहां इंद्र का वैभव तुच्छ है, नगण्य है, एक से एक सुंदर पकवान श्री ठाकुर जी आरोगते हैं, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम आरोगते हैं लेकिन मर्यादा रखते हैं। बोले सब अच्छा है, बड़ा मधुर है, अतुलनीय है, लेकिन शबरी माँ के बेरों जैसा स्वाद इनमें नहीं है। इसलिए शायद भगवान आशुतोष कहते हैं, उमा राम सुभाव जिन जाना, ताही तजत तिही भावना। संत सदगुरु की कृपा से यदि प्रभु का स्वभाव पता चल जाए तो जीव उनको छोड़कर किसी का भजन कर ही नहीं सकता। बस रविदास जी की पुकार पूर्ण हुई, अरे वो आधे नाम पे आते हैं कोई हो बुलाने वाला। रविदास जी की वो प्रेम में पगी मूरत देखकर श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। इस संसार में भगवत प्रेम में छगे किसी भक्त के दर्शन करने से सुंदर और कोई दृश्य नहीं हो सकता। जहां ब्राह्मणों के कंठ सूखे पड़े थे, जितना ज्ञान आज तक अर्जित किया था, जितना पोथी का ज्ञान आज तक, जो भार सिर पर ढोया था, गा गा कर श्रुतियां, गा गा कर वेदों के पाठ, ब्राह्मणों के कंठ सूख गए, श्री ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए। और रविदास जी ने दो क्षण प्रेम में भरकर अपने प्रभु को पुकारा और समस्त समाज की दृष्टि में भरा था मंदिर का प्रांगण। बड़े बड़े मंत्री, स्वयं राजा सिंहासन पर था कि देखें आज ज्ञान जीतता है कोरा ज्ञान, या फिर भक्ति महारानी विजयी होती है। और देखते ही देखते जैसे ही रविदास जी का पद पूर्ण हुआ, नीचै ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। और छम छम करते श्री श्याम सुंदर आए और श्री रविदास जी की गोद में आकर विराजमान हो गए। विमुख लोग स्तब्ध हैं, मुख में कोई शब्द नहीं है, क्या कहें। और तुलसी, आपनी रुचि ते सेवक की रुचि मीठ। और ऐसे प्रभु रघुनायक ही कैसे दीजे पीठ, जिनके लिए भक्त की रुचि के सन्मुख धर्म सिद्धांत सब कुछ एक ओर हो जाता है। और वो श्रीमद् भागवत के माध्यम से तीनों लोकों में इस बात की प्रतिष्ठा करने में नेक भी संकोच नहीं करते कि अहम भक्त पराधीन, मैं तो अपने भक्त के अधीन हूं, वश में रहता हूं, वो जैसे नचाता है वैसे नाचता हूं। एक बार मीरा जी पर एक राजकुमार आसक्त हो गया, उसने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मीरा ने कहा कि मैं विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूं, लेकिन मेरी दो शर्तें तुम्हें माननी पड़ेंगी। एक तो मैं जो खिलाऊंगी सो खाना पड़ेगा, जो पहनाऊंगी सो पहनना पड़ेगा। राजकुमार राजी हो गया कि ठीक है, आप जो खिलाएंगी खाऊंगा, जो पहनाएंगी वो पहनूंगा, और जब मैं सोऊंगी तो तुम्हें जागकर मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। राजकुमार ने कहा ये कैसे संभव है, क्या कभी मैं सोऊंगा ही नहीं। मीरा ने कहा कि जो मेरा पहला पति है ना, वो तो जैसे खिलाती हूं सो खाता है, जो पहनाती हूं सो पहन लेता है, और जब ये मीरा संसार की भीड़ में सोती है तो वो जागकर इसकी रक्षा करता है। तुझ में ऐसी सामर्थ्य है तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। प्रभु को सुख मिलता है भक्त के हाथ का खिलौना बन जाने में। कर्मा बाई दातुन करती है, खिचड़ी लगने की बास आ जाती है और उसी जूठे दातुन से जाकर खिचड़ी रांध देती है। और जगन्नाथ जी प्रेम में छके खिचड़ी ऐसे आरोगते हैं कि जैसे ऐसा स्वाद तो आज से पूर्व कभी आया ही नहीं था। लेकिन जगन्नाथ जी का उस प्रेम में छकना, उसके मूल में भी कारण कर्माबाई के हृदय का वो निरतिशय प्रेम है कि जिसकी भावना में छककर भूल गई, जगन्नाथ जी की रूप माधुरी में ऐसी अटकी कि भूल गई चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाई है। जलने की बात आई तो दौड़ कर गई कि अगर खिचड़ी जल गई तो आज प्रभु क्या पाएंगे, जूठा दातुन हाथ में था, उसी दातुन से खिचड़ी रांध दी और जगन्नाथ जी ने प्रेम से भरकर पाया।
एक साधु ने देखा, बड़ा मन में दुख हुआ कि ऐसे अनाचार पूर्वक ये प्रभु को भोग लगाती है। उसको समझाया, भोली भाली थी, सीधी सादी थी, संत ने समझाया कि ऐसा करने से तो तुझे बड़ा अपराध लगेगा, तू नर्कगामी होगी। प्रभु को ऐसे पवाया जाता है क्या? पहले चौका लगाया जाता है और ऊंची ऊंची दो हाथ तक दीवार लीपी जाती है कि कहीं कुछ सप्रस नहीं हो जाए, फिर पात्र मांजे जाते हैं, फिर अमनिया चढ़ाया जाता है और प्रयत्न ऐसा किया जाता है कि उस वस्तु को मन भी स्पर्श न करे, तब प्रभु को भोग लगाया जाता है। कर्माबाई ने वैसे ही किया। अब सारा टिटिम्बा करने में तो दोपहर होने को आ गई, जगन्नाथ जी भूखे बैठे। जगन्नाथ जी ने वो फटकार लगाई साधु को, वो फटकार लगाई शायद साधु जन्म भर ना भूले कि मेरे और मेरे भक्त के बीच में आने वाले तुम कौन हो। खिलाने वाली कर्मा, उसका जूठा खाने वाला मैं, तुमको काय का कष्ट होता है। भक्त के हाथ बिक जाने में जो अपना गौरव मानते हैं, भक्त के हाथ बिक जाने में जिन्हें संतोष होता है, और रंच प्रेम में अपन पो हरत नवल किशोर, रंच मात्र प्रेम में वो अपने आप को बेच देते हैं। इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना। प्रभु का स्वभाव पता चल जाए फिर भजन के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं हो सकता। रविदास जी का यश और बढ़ गया। आपके भी जीवन में जब निंदा के क्षण आए, जब कभी दुख की घड़ी आ जाए, कभी पीड़ा की घड़ी आ जाए, तो घबराना नहीं। विश्वास वही है जो विष का प्याला हाथ में भी है तो भी मुस्कुराता है। वृंदावन के एक बड़े उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं स्वामी शरणानंद जी महाराज, सूरदास थे, प्रज्ञा चक्षु, और 7 बार वृंदावन से गंगोत्री तक की यात्रा उन्होंने अकेले की। अपनी लाठी लेकर जाते थे, अकेले जाते थे, 7 बार गंगोत्री तक की यात्रा की। एक बार ऋषिकेश में संध्या समय भ्रमण कर रहे थे तो एक नव युवक ने उनसे पूछा, बोले महाराज आप 7 बार अकेले गंगोत्री तक हो आए, इतने लोग आपकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, आप किसी को साथ ले लेते, आपको भय नहीं लगा, आपको डर नहीं लगा, आप गिर जाते, कोई क्षति पहुंच जाती आपको? महाराज मुस्कुराए, भ्रमण कर रहे थे ऋषिकेश में, बोले बेटा कोई गहरी सी खाई आए तो मुझे बताना। गहरी सी कोई खाई निकट आई तो युवक ने कहा, महाराज यहां निकट ही बड़ी गहरी सी एक खाई है। तो बोले अच्छा आप एक काम करो, मुझे उसमें धक्का दे दो। युवक ने कहा, महाराज ये मैं कैसे कर सकता हूं, आपको धक्का नहीं दे सकता। अरे हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं, धक्का दो। नहीं महाराज ऐसा नहीं करूंगा, हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो नर्क में पड़ोगे। महाराज मैं 100 बार नर्क में पड़ सकता हूं लेकिन अपने हाथ से आपको मैं गिरा नहीं सकता। शरणानंद जी महाराज ने पीठ थपथपाई, बोले बेटा तेरे जैसा एक संस्कारी बालक 100 बार नरक में पड़ने के भय पर भी मुझे नहीं गिराता तो मेरे दयालु प्रभु मुझे कैसे गिरा देते, उनके होते मैं कैसे गिर जाऊंगा। जीवन मिला है विश्वास का ये स्तर अर्जित करने के लिए। हाँ लेकिन इतना अवश्य आपसे कहूंगा कि ये बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है जो आप धन देकर कमा लेंगे। आप 10-20 लाख रुपया भागवत पर खर्च करेंगे और करा लेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा कृष्ण कथामृत है। गोपी कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरितम कल्मषा। लेकिन जब कथा का उद्देश्य व्यापार होता है, जब कथा का उद्देश्य नाम और दाम अर्जित करना होता है तो कथा का अंतर्हित अमृत छिप जाता है। अन अधिकारी के लिए वस्तु स्वयं को दुरा लेती है, स्वयं को छिपा लेती है। महाराज ने कहा कि एक साधारण सा संस्कार जिसमें है, दया की एक बिंदु जीव में है, तुझ में है, और तू मुझे गिरने नहीं देता तो मेरे प्रभु के होते मैं कैसे गिर जाऊंगा।